सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर 6 टॉप के डीजे सेटअप के बारे में। यहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ, इसका प्राइस कितना होगा, एम्पलीफायर आपको कितने वाट का लेना है, इसका कनेक्शन कैसे करना है, जनरेटर कितने के वी का लेना पड़ेगा, इसका प्राइस कितना होगा, सभी का प्राइस मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। स्टेपलाइजर, जनरेटर, सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल में। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर 6 टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर आप इसको पिकअप डीजे में काफी अच्छे तरीके से लोडिंग कर सकते हैं बिना किसी फ्रेम के। तो बिना फ्रेम एंगल के ही आप यहाँ पर 6 टॉप को कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं, 3 टॉप प्लस उसके ऊपर 3 टॉप। तो काफ़ी इजी तरीके से आप इस टाइप के सेटअप को लगा सकते हैं, जो कि मीडियम साउंड यहाँ पर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे खासा यहाँ पर थ्रो और काफ़ी अच्छा बेस भी मिल जाएगा। उतना ज़्यादा बेस नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर पंच वाला बेस आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर वाइब्रेशन आपको उतना नहीं मिलेगा, आपको पंच काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पर 3 टॉप प्लस 3 टॉप के ऊपर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्पीकर के ऊपर, इसमें कौन से ब्रांड का स्पीकर है। तो यहाँ पर 2 ब्रांड हमने यूज किया है, जो कि डीजे प्लस का स्पीकर प्लस पी ऑडियो का स्पीकर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो 3 टॉप है उसमें डीजे प्लस का स्पीकर आपको यूज करना है, जो कि 350 वाट का स्पीकर, एक कैबिनेट में 2 स्पीकर रहेगा, प्लस 80 वाट का आप एचएफ यूज कर सकते हैं, जो कि ऑडियो टोन का भी एचएफ आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर आप टॉप बनाते हैं 3 टॉप, तो यहाँ पर आपको प्राइस पड़ने वाला है लगभग 50 से 55 के आसपास। यहाँ पर कैबिनेट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लो क्वालिटी यूज़ करते हैं तो आपको प्राइस कम भी पड़ सकता है, और मीडियम क्वालिटी यूज़ करते हैं तो लगभग 50 से 55 के आसपास पड़ेगा, और हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं तो 55 से भी ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम क्वालिटी के आसपास अगर आप यूज़ करेंगे तो 50,000 में 3 टॉप मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और 3 टॉप के बारे में। तो प्राइस मैंने बता दिया, यहाँ पर 50,000 के आसपास समथिंग आप प्लस करके मतलब जोड़ के चलिए। और यहाँ पर पी ऑडियो का 400 वाट का स्पीकर रहेगा, प्लस यहाँ पर 80 वाट का एचएफ यूज कर सकते हैं आप, या फिर 100 वाट का भी एचएफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 80 वाट का भी आप एचएफ यूज करेंगे तो काफी अच्छा बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 80 वाट का एचएफ इसमें भी हम लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑडियो टोन का एचएफ रहेगा इसमें, और पी ऑडियो का 400 वाट का 2 स्पीकर। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक कैबिनेट बन जाता है, और यहाँ पर मीडियम क्वालिटी के अगर आप बनाते हो तो लगभग 60 से 65 हज़ार के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 61 हज़ार के आसपास मैंने ऐड कर लिया है, यहाँ पर मीडियम क्वालिटी के कैबिनेट वगैरह आप यूज़ करेंगे तो लगभग 61 हज़ार के आसपास, 65 हज़ार के आसपास आप समथिंग मान के चलिए, उतना में आप 3 टॉप बना सकते हैं पी ऑडियो के 400 वाट के स्पीकर के साथ। तो यहाँ पर आपका 61 हज़ार हो जाता है इसका, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 1,11,000 रुपये 6 टॉप का। और वहीं हम बात करेंगे स्टेपलाइजर और जनरेटर, मिक्सर और एम्पलीफायर, कितने वाट का एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 एम्पलीफायर यूज़ करेंगे 4 टॉप मतलब 6 टॉप को चलाने के लिए। तो यहाँ पर कनेक्शन भी मैं आपको बताऊँगा, तो पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर 2 एम्पलीफायर है, जो कि आप यहाँ पर 1 एम्पलीफायर आपको लेना है 4,000 वाट का। आप कोई सा भी ब्रांड का एम्पलीफायर आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4,000 वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए। और वहीं हम बात करेंगे दूसरे एम्पलीफायर का, जो कि 2,000 वाट का एम्पलीफायर रहेगा। कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2,000 वाट का एम्पलीफायर रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइसिंग के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर लगा रखा है, यहाँ पर ऐड कर लिया है इस सेटअप में। तो स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छे यहाँ पर टॉप बच जाते हैं। यहाँ पर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे, तो स्टेंजर के SPV4 के, जो कि 4,000 वाट का एम्पलीफायर है, इसका प्राइस के बारे में बात करेंगे तो अभी लगभग 34 से 35 हज़ार के आसपास इसका प्राइस हो चुका है, मतलब हमारे मार्केट में प्राइस क्योंकि बढ़ गया है इसका, पहले कम था। तो यहाँ पर इसका प्राइस 35,000 के आसपास आप पकड़ के चलिए। और यहाँ पर SPV2 के जो एम्पलीफायर है वो 2,000 वाट का एम्पलीफायर है, इसका प्राइस लगभग 24 से 25 हज़ार के आसपास पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर 25,000 आप ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर एक हमें चाहिए मिक्सर, जो कि आप कोई सा भी मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, डीजे मिक्सर या फिर यहाँ पर इको मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर SM6 मैंने ऐड कर रखा है, जो कि 6 चैनल का मिक्सर है।
तो यहाँ पर आप 10,000 वाला मिक्सर भी ले सकते हो, 5,000 वाला मिक्सर भी ले सकते हो, और यह है हमारा 2,500 वाला मिक्सर, मतलब 2,500 के आसपास में यह मिक्सर मिल जाता है मार्केट में। और वहीं हम बात करेंगे स्टेबलाइजर और जनरेटर के ऊपर। तो यहाँ पर हमें स्टेबलाइजर लेना है यहाँ पर 7 KVA का, जो कि इसका प्राइस लगभग 9,500 के आसपास में आपको मिल जाएगा। और वहीं हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7.5 KVA का जनरेटर हमें लेना पड़ेगा, जो कि अभी रिसेंटली अगर 7.5 KVA जनरेटर के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो हमारे मार्केट में प्राइस लगभग इसका 53,000 के आसपास पहुँच चुका है। पहले कम था, अभी ज़्यादा हो चुका है, और झारखंड में इसका प्राइस लगभग और ज़्यादा होता है। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सभी प्राइस को जोड़ते हैं तो कितना सेटअप बन जाता है। तो यहाँ पर सभी को प्राइस अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2,36,000 टोटल अमाउंट निकल के आ जाता है, प्लस यहाँ पर हमारा 4,000 का केबल वगैरह हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल 2,40,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली प्राइस यहाँ पर आपका निकल के आ जाता है। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताया हूँ, मतलब एक अंदाज़ा बताया हूँ कि इतना में आप इतना सेटअप बना सकते हो अभी न्यू सेटअप। और वहीं हम बात करेंगे कनेक्शन के ऊपर, कैसे हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कनेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर जो आपका SPB 4K है इसमें आपको 4 टॉप चलाना है। अब इसमें 4 टॉप कौन कौन से वाले चलाने हैं तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो PRDU का टॉप है नीचे 3 टॉप, तो यहाँ पर 2 टॉप एक चैनल में चलाना है और 1 टॉप एक चैनल में चलाना है, प्लस यहाँ पर जो DJ प्लस का 350 वाट का डुअल टॉप है वो वाला 1 टॉप दूसरे चैनल में चलाना है। तो यहाँ पर 2 टॉप यहाँ पर PRDU वाला चलाना है और 1 टॉप PRDU प्लस DJ प्लस वाला 1 टॉप दूसरे चैनल में चलाना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 टॉप हो जाता है, 2 ओम्स के ऊपर रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिलेगा। आपको जो आपका साउंड लिमिटर है, मतलब यहाँ पर आपका लेवल इंडिकेटर जो होता है, मतलब यहाँ पर रेड क्लिपिंग तक आपको नहीं चलाना है, आप मीडियम साउंड में चलाइए, काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा। और वहीं जो आपका DJ प्लस का 350 वाट का जो डुअल टॉप आपका बच जाता है 2 पीस, तो यहाँ पर SPB 2K में आप चला सकते हैं, 1 टॉप एक चैनल में, 1 टॉप दूसरे चैनल में। तो यहाँ पर 4 ओम्स के ऊपर रन होगा, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा इस एम्पलीफायर में। और आप दूसरा एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर DJ प्लस का जो 350 वाट का डुअल टॉप है उसके लिए आप यहाँ पर NX Audio का RX 3000 ले सकते हैं, जो कि और भी काफ़ी अच्छा बेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पर SPB 2K से काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा आपको RX 3000 में। और वहीं आप यहाँ पर SPB 4K जगह 4000 वाट के एम्पलीफायर के जगह में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एरोन्स का HD 5001, जो कि उसमें और भी काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए स्ट्रेंजर का ही एम्पलीफायर यहाँ पर ऐड किया है, जो कि गाँव देहात में काफ़ी अच्छी तरीके से चल सके, और इस एम्पलीफायर में ज़्यादा शिकायत भी नहीं आती है, आप धूप में भी चलाइए, कहीं भी चलाइए, काफ़ी अच्छा चलता है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसका कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, इसका फुल डिटेल्स बता दिए, इसका प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको डिजिटल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।